प्रैक्टिकल टेक्नीशियंस चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कीजिए, उसके बगल में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करके उसमें ऑल वाले ऑप्शन को अनेबल कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए और आप एक भी वीडियोस मिस ना कर पाएँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिकल टेक्नीशियन चैनल में। तो लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया फ्रेश प्रैक्टिकल वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ HVAC सिस्टम में यूज़ होने वाले जो वाटर पंप्स होते हैं वो किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं एक HVAC सिस्टम में या एक चिलर यूनिट के लिए। कौन कौन से पंप्स होते हैं, कंडेंसर पंप, चिलर पंप, साथ ही साथ जो सेकेंडरी और प्राइमरी पंप होते हैं, इनको अलग अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया है और किस पर्पस के लिए इनका यूज़ होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ के साथ इसमें दो कॉन्सेप्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं HVAC के नज़रिए से, एक है आपका कंडेंसर वाटर साइकिल और दूसरा है चिलर वाटर साइकिल, उसको भी इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं या मैं आपको समझाने वाला हूँ ये दोनों कॉन्सेप्ट को भी। तो वीडियो को एंड तक मिस मत करिएगा, नहीं तो आपका जो डाउट है पंप से रिलेटेड वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है हमारा 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो कंप्लीट होने वाला है, तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी भी 84% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो का मेन टॉपिक। तो आप ये सामने देख पा रहे हैं जो ग्रीन कलर के पंप हैं, ये हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप हैं, जो कि हैं लगभग 20 HP के और ये 50 फीट तक का पानी थ्रो कर सकता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में एम्पलर लगा रहता है, एक साइड से पानी को सक करता है, दूसरी तरफ को डिस्चार्ज कर देता है। और ये ग्रीन कलर की जो लाइन आप देख पा रहे हैं ऊपर से जा रही है, ये जा रही है सीधे हमारे वाटर कूल चिलर की तरफ। अब वाटर कूल चिलर में कहाँ जा रही है, तो जो कंडेंसर पंप होता है वो वाटर कूल चिलर्स में कंडेंसर से कनेक्ट रहता है। कंडेंसर किस टाइप का, सेल एंड ट्यूब टाइप का कंडेंसर, सेल साइड में रेफ्रिजरेंट, ट्यूब साइड में वाटर फ्लो करता है। तो ये ग्रीन लाइन आप देख पा रहे हैं, तो ये ऊपर से जो ग्रीन लाइन आ रही है और जो कंडेंसर लगा हुआ है उसमें नीचे की तरफ से इंटर करता है पानी। आप देख रहे होंगे जो ये कंडेंसर था इसके नीचे की तरफ से पानी इंटर करता है और ऊपर की तरफ से बाहर निकलता है। अब वो कहाँ जाता है आगे चल के मैं बताऊँगा। तो जैसे कि मैंने बताया, वाटर कूल्ड चिलर्स में कंडेंसर सेल एंड ट्यूब टाइप का होता है, और एयर कूल्ड में अगर मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया हो तो कंडेंसर आपने देखा होगा कॉइल टाइप का होता है, उसमें रेफ्रिजरेंट डायरेक्ट अपनी हीट को ट्रांसफर कर देता है एयर में। पर वाटर कूल्ड चिलर्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट रहता है वो कंडेंसर के अंदर बंद रहता है, इसलिए हमें इसमें अलग से सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, जी हाँ, वाटर को हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है। ये कंडेंसर के अंदर जाता है, रेफ्रिजरेंट की हीट को एब्जॉर्ब करता है और बाहर निकलता है और जाता है कहाँ, कूलिंग टावर की तरफ। तो जो कंडेंसर पंप है वो कनेक्ट रहता है दो साइड में, एक साइड में कूलिंग टावर की तरफ और दूसरी तरफ कंडेंसर के साथ, जो वाटर कूल चिलर्स होते हैं वहाँ पर कंडेंसर के साथ और बाहर कनेक्ट रहता है कूलिंग टावर की तरफ। तो एक ब्रिज का काम करता है दोनों को जोड़ने का, कूलिंग टावर और कंडेंसर को जोड़ने का काम करता है हमारा कंडेंसर पंप। तो ये आप लाइन देख रहे हैं ग्रीन कलर की। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो कलर कोडिंग है इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं कहीं पर जो डाटा प्लेट होती है वो नहीं लगी रहती, जिससे कि आप पता नहीं कर पाते कि कंडेंसर पंप है चिलर पंप है। तो जो ग्रीन कलर की लाइन होती है वो ज़्यादातर आपको दिखेगी किसके लिए, कंडेंसर पंप के लिए। अगर आपके वहाँ पर चिलर पंप और कंडेंसर पंप दोनों यूज़ होते हैं, तो कहीं कहीं पर एक ही पंप यूज़ होता है तो वहाँ पर ग्रीन लाइन या ब्लू लाइन आपको देखने को मिल सकती है। नहीं तो अगर जहाँ पर दो प्रकार के पंप यूज़ होते हैं वहाँ पर आपको ग्रीन और ब्लू लाइन दिखने को मिलेगी। ब्लू लाइन होती है चिलर्स के लिए और ग्रीन होती है आपके कंडेंसर के लिए। तो इतना आप समझ चुके होंगे। तो मैं आपको बता रहा था इसमें एक साइकिल रन करती है, कंडेंसर वाटर साइकिल, आपको ये समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि ये आप लाइन देख पा रहे थे, जो ऊपर की तरफ जो पंप से निकल के लाइन जा रही है वो जा रही थी कंडेंसर में, और जो दूसरी लाइन है जो पीछे की तरफ है वो कनेक्ट है हमारे कूलिंग टावर के साथ। जी हाँ, ये आप सामने अभी मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी पीछे की लाइन है वो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कंडेंसर वाटर साइकिल होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंडेंसर वाटर साइकिल के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है आपका कूलिंग टावर, दूसरा कंडेंसर पंप और तीसरा है सेल एंड ट्यूब टाइप का आपका कंडेंसर। तो इसको समझ लेते हैं। तो कंडेंसर पंप में स्टार्ट करते हैं कंडेंसर पंप के साथ, ये आप सामने देख पा रहे हैं ना। तो पीछे की तरफ इसका पंप है और ये जो लाइन दिखा रहे हैं आपको पीछे की तरफ, ये जा रही है हमारी कूलिंग टावर की तरफ। आप ये जितने भी ग्रीन लाइन पीछे की तरफ देख पा रहे थे ये हमारी गेज है, तो ये सब जाएंगी हमारी
कूलिंग टावर की तरफ। कूलिंग टावर और जो कंडेंसर पंप है उसके बीच में एक हॉट स्ट्रेनर भी लगा है, जैसे कि आपने देखा ही होगा जो वाटर लाइन होती है उसमें स्ट्रेनर लगा रहता है फिल्टरेशन के लिए, जो गंदगी है उसमें अटक जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो सामने की तरफ आपको ग्रीन कलर का जो डोम सा दिख रहा है, या ये कह लीजिए जो सिलेंडर सा दिख रहा है बड़ा सा, ये है हॉट वाटर स्ट्रेनर, जो कि गंदगी को साफ करने का काम भी करता है। क्योंकि आपको पता ही है जहाँ पानी रहता है वहाँ पर अंदर की तरफ परत जमना स्टार्ट हो जाती है लाइमस्टोन की, या आपने काई सुना ही होगा, काई जहाँ पर पानी ठहरा रहता है वहाँ पर काई जमना स्टार्ट हो जाती है। तो उसी की तरह जो जीआई पाइप होते हैं उसके अंदर लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर जमना स्टार्ट हो जाता है, या जो गंदगी होती है वो आके इन लाइन्स के थ्रू कंडेंसर में नहीं चले जाए, इसलिए ये हॉट वाटर का यूज़ सॉरी हॉट स्ट्रेनर का यूज़ हो रहा है। इससे हम गंदगी बाहर निकाल लेते हैं जितनी भी इस लाइन में गंदगी होगी। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जो लाइमस्टोन होता है अगर वो धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाए तो वो क्या करेगा, जो कंडेंसर होता है उसमें जो ट्यूब्स होते हैं वो एक या दो अंगुली के छेद के बराबर, सॉरी एक या दो अंगुली की मोटाई के बराबर होती है। ये सामने हॉट स्ट्रेनर है, आप सामने देख सकते हैं इसमें एक डाटा प्लेट लगी है, ये हॉट स्ट्रेनर है, तो उसके थ्रू गंदगी बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये जो जीआई पाइप होते हैं ये तो बहुत मोटे होते हैं, बट जब आप कंडेंसर के अंदर की ट्यूब की बात करते हैं तो वहाँ पर एक या दो अंगुलों की मोटाई रहती है। अगर वहाँ पर लाइमस्टोन जमना स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ बड़ी मुश्किल हो जाती है पानी का ट्रैवल करने के लिए और अपनी हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए रेफ्रिजरेंट के साथ। तो इसी कारणवश पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, इसलिए कहीं कहीं पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जाते हैं, जिससे कि वाटर का ट्रीटमेंट उपचार किया जा सके और जो मिनरल्स होते हैं उसके अंदर उसको कम किया जा सकते हैं, क्योंकि जो पानी के अंदर मिनरल्स होते हैं उसी के थ्रू लाइमस्टोन जमता है। तो अब आ चुके हैं हम प्लांट के बाहर, जो हॉट स्ट्रेनर से जो लाइन बाहर निकल के आ रही थी वो आपको दिखा देता हूँ, आप सामने देख पाएंगे। अभी जो ग्रीन कलर की लाइन आप देखेंगे ये वो हॉट स्ट्रेनर से निकल के डायरेक्ट बाहर जा रही है, और बाहर कहाँ जा रही है, वो जा रही है कूलिंग टावर की तरफ। अभी उस साइड से भी आपको मैं दिखाऊंगा कि ये लाइन किस तरफ जाएगी, कूलिंग टावर भी आपको दिखाऊंगा, सारी डिटेल में दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, हाँ बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए अब उस साइड का भी देख लेते हैं कि ये जो आप ग्रीन कलर के ऊपर की तरफ लाइन देख रहे हैं ये किस तरफ निकल के जा रही है, ये हमारी आ रही है किधर से, कंडेंसर की तरफ से। तो इन दोनों को हम देखते हैं ये किस तरफ को जा रही है। तो जैसे कि मैंने बताया ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसके अंदर इम्पेलर लगा रहता है जो कि घूमता है और एक साइड से सक करता है पानी को, दूसरी साइड से डिस्चार्ज कर देता है। तो अब आ चुके हैं हम बाहर की तरफ, तो पीछे जहां हॉट स्ट्रेनर था वहां की तरफ से जो लाइन आ रही है और जो कंडेंसर की तरफ से जो लाइन आ रही है वो दोनों यहीं पर आके मिलेंगी, अभी आप देखेंगे। तो ये वो दो लाइनें हैं जो अंदर से बाहर निकल के आई हैं, एक आ रही है आपकी ये कंडेंसर की तरफ से सेलेंट ट्यूब टाइप का कंडेंसर जो मैंने आपको बताया, और दूसरी ये आप देख पा रहे हैं ये आ रही थी आपके हॉट स्ट्रेनर की तरफ से। अब ये दोनों जाएंगी कहाँ आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये दोनों लाइनें मिलके जाएंगी हमारे कूलिंग टावर की तरफ। कूलिंग टावर के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या ऊपर आई बटन वाला ऑप्शन आ रहा होगा उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये रहे हमारे कूलिंग टावर्स जो कि पानी को ठंडा करने का काम करते हैं। तो ये दोनों लाइन एक जाएगी कूलिंग टावर के ऊपर की तरफ और दूसरी कनेक्ट होगी नीचे की तरफ। अब जो ऊपर की तरफ कनेक्ट रहती है वो पानी को स्प्रेड करता है, यानी कि जो ऊपर से पानी जाता है कूलिंग टावर में वो धीरे धीरे नीचे गिरता है, और जो नीचे गिरा हुआ पानी होता है जो ठंडा हो चुका होता है वो नीचे की पाइपलाइन से होता हुआ वापस आता है कंडेंसर की तरफ। तो ये है पूरी क्या हमारी कंडेंसर वाटर साइकिल। जी हाँ, एक तरफ से पानी अगर हम स्टार्ट करें, जैसे कि मैंने बताया आपको कूलिंग टावर से अगर पानी ठंडा होगा तो वो जाएगा वाटर लाइन के थ्रू कहाँ, कंडेंसर में। कंडेंसर में जाने के बाद वही पानी रेफ्रिजरेंट की हीट को अब्जॉर्ब करेगा और गर्म हो जाएगा, और वो पानी गर्म होके वापस कंडेंसर से जब बाहर निकलता है तो वो आएगा इसी कूलिंग टावर में। इस कूलिंग टावर में वो ऊपर की तरफ से आता है, इंटर करता है और नीचे गिरता है, और इसके बीच में पीवीसी लगी रहती है, वो पीवीसी पानी को फैलाने का काम करती है, और इसमें एक लगा रहता है फैन। फैन क्या करता है, नीचे की तरफ से हवा को ऊपर की तरफ खींचता है, जिससे कि हवा और पानी का कांटेक्ट होता है और जो पानी है उसकी गर्मी हवा बाहर निकाल देती है और वो पानी ठंडा हो जाता है और जाता है फिर से वापस कंडेंसर में। तो ये जो साइकिल है बार बार रन करती रहती है, जिसको हम कंडेंसर वाटर साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो ये हैं वो कूलिंग टावर, आप इसके अंदर देख भी पा रहे होंगे नीचे जो पानी है उसमें काई जम चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पानी का जो स्वभाव होता है वो ऐसी होता है, जहाँ पर वो ठहरा रहता है वहाँ पर वो परत जमाना स्टार्ट कर देता है, चाहे वो काई हो चाहे वो चूना पत्थर की हो। तो ये जो ऊपर की तरफ आप लाइन देख पा रहे थे अभी मैंने आपको दिखाई, वो
कंडेंसर से आती हुई लाइन है और इसके नीचे जो लाइन कनेक्ट थी वो कंडेंसर की तरफ जाने वाली लाइन है। तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट था कंडेंसर पंप का, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इसके बाद हम देखेंगे चिलर वाटर साइकिल के बारे में या सेकेंडरी पंप या ये कह लीजिए प्राइमरी पंप क्या होता है या चिलर पंप के बारे में। तो चलिए दोस्तों दोबारा से आ चुके हैं प्लांट के अंदर, अब समझ लेते हैं चिलर वाटर साइकिल के बारे में, सेकेंडरी पंप, प्राइमरी पंप या चिलर पंप क्या होते हैं, क्यों प्राइमरी और सेकेंडरी दो कैटेगरी रखी गई हैं चिलर पंप के अंदर। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख पा रहे होंगे ये है प्राइमरी पंप जो कि है 10 एचपी का 30 फीट तक का पानी थ्रो कर सकता है, वहीं सेकेंडरी पंप जो कि है 40 एचपी का जो कि 75 फीट तक का पानी थ्रो कर सकता है। तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंड दोनों पंप लगे हैं, कंडेंसर में ऐसा नहीं था, कंडेंसर में एक ही पंप लगा हुआ था जबकि चिलर्स में दो पंप लगे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। अब ये कहाँ कनेक्ट रहते हैं, जो प्राइमरी पंप होता है वो कनेक्ट रहता है हमारे इवेपोरेटर के साथ, जो चिलर यूनिट होती है वहाँ पर इवेपोरेटर लगा रहता है उसके साथ कनेक्ट रहता है। सेकेंडरी पंप कनेक्ट रहता है हमारे एचयूज़ के साथ, एचयूज़ कितने भी हो सकते हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट, उसके साथ कनेक्ट रहता है सेकेंडरी पंप। अब क्या होता है जो वाटर कूल चिलर्स होते हैं वो ज़्यादातर आपको बेसमेंट में देखने को मिलेंगे, तो जो पानी का प्रेशर है उसको क्रिएट करने के लिए या पानी के प्रेशर को बढ़ाने के लिए अलग से सेकेंडरी पंप लगाए जाते हैं जिससे कि जो पानी है वो ज़्यादा दूरी तक जा पाए। जो एचयूस होते हैं वो कई फ्लोर ऊपर तक लगे रहते हैं इसलिए सेकेंडरी पंप का यूज़ किया जाता है जिससे कि जो पानी है वो अच्छे से हर फ्लोर में पहुंच पाए, इसी वजह से सेकेंडरी पंप का यूज़ होता है। कहीं कहीं पर आपको सिर्फ चिलर पंप यानी कि एक ही पंप देखने को मिल सकता है जहाँ पर एचयूस की दूरी कम रहती है। तो ये आप सामने देख पा रहे हैं ये है इवेपोरेटर, ब्लैक कलर का इंसुलेशन जिसके चारों तरफ किया हुआ है, और जो ये वाइट कलर की लाइन आप देख पा रहे हैं ये है हमारी चिलर वाटर लाइन। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी पंप यूज़ करने का कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है, अगर आपका एयर हैंडलिंग यूनिट प्लांट से काफ़ी दूरी पे है तो वहाँ पर आप सेकेंडरी पंप का यूज़ करते हैं जिससे कि क्या आपका जो सेकेंडरी पंप है वो प्रेशर को बढ़ा सके और जितना दूरी तक आप पानी को पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँचा पाए आराम से, कोई दिक्कत ना हो पाए, तो इसलिए वहाँ पर सेकेंडरी पंप का यूज़ होता है। अगर जहाँ पर सेकेंड पंप यूज़ नहीं होता है इसका मतलब यह है कि आपके एयर हैंडलिंग यूनिट प्लांट के काफ़ी नज़दीक हैं और अब वहाँ पर आप खाली एक पंप का यूज़ कर सकते हैं यानी कि चिलर पंप का यूज़ करके आप सिंपली वाटर को रन करा सकते हैं चिलर वाटर साइकिल में। तो चलिए अब साथ साथ में चिलर वाटर साइकिल भी समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी पंप के साथ। जो आपका प्राइमरी पंप है वो कनेक्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो रहता है इवेपोरेटर के साथ। इवेपोरेटर भी शेल एंड ट्यूब टाइप का होता है, आपको पता ही होगा, चाहे एयर कूल्ड हो चाहे वाटर कूल्ड हो, तो उसमें भी एक साइड रेफ्रिजरेंट और एक साइड वाटर फ्लो करता है। तो जब प्राइमरी पंप पानी को भेजता है इवेपोरेटर की तरफ तब पानी का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और वो इवेपोरेटर में जब इंटर करता है और जब वो बाहर निकलता है तो पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि जब वो इंटर करता है इवेपोरेटर के अंदर तो इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट होता है वो ठंडा होता है, तो रेफ्रिजरेंट अपनी हीट यानी कि अपनी ठंडक पानी को दे देता है और पानी ठंडा हो जाता है। तो पानी ठंडा होने के बाद सेकेंडरी पंप की तरफ आता है और सेकेंडरी पंप उसको थ्रो करता है किस तरफ, एचयूस की तरफ यानी कि एयर हैंडलिंग की तरफ थ्रो करता है और पानी पहुंचता है आपका एयर हैंडलिंग यूनिट में और फिर वापस यही साइकिल रिपीट होती है, यानी कि वो पानी फिर से आता है प्राइमरी पंप की तरफ एचयूस से, मतलब एयर हैंडलिंग यूनिट से जो गर्म पानी है वापस आता है आपका प्राइमरी पंप की तरफ, प्राइमरी पंप से फिर जाता है आपका इवेपोरेटर की तरफ, इवेपोरेटर से फिर निकल के सेकेंडरी पंप की तरफ और सेकेंडरी पंप से फिर एचयूस की तरफ। तो ये है एक चिलर वाटर साइकिल जो कि बार बार चलती रहती है जब तक आपको कूलिंग की ज़रूरत होती है। तो चलिए आपको अब प्लांट के बाहर ले चलते हैं जहाँ आपको मैं दिखाऊंगा कि ये चिलर लाइन बाहर कहाँ जाके कनेक्ट होती है, किस पार्ट से कनेक्ट होती है। वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ जो ये चिलर लाइन अब बाहर निकली हुई है ये जाएंगी आपकी एयर हैंडलिंग यूनिट की तरफ, जहाँ कहीं भी बिल्डिंग में एयर हैंडलिंग यूनिट लगे होंगे ये वहाँ जाके जुड़ जाएंगी और फिर वापस यहीं इसी प्लांट में आएंगी प्राइमरी पंप में, प्राइमरी पंप से फिर जाएंगी इवेपोरेटर में, इवेपोरेटर फिर पानी को ठंडा करेगा, फिर जो इवेपोरेटर से ठंडा पानी है बाहर निकल के सेकेंडरी पंप के थ्रू हमारे वापस से एयर हैंडलिंग यूनिट तक पहुंचेगा और ये प्रोसेस चलती रहती है। तो आ चुके हैं हमारे एचयू रूम में, ये बहुत पुराना हो चुका है, अभी इसमें रिपेयरिंग बाकी है। तो चलिए हाल फिलहाल मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे जो ब्लू लाइन्स है ये सीधे डायरेक्टली चिलर्स से आ रही है यानी कि इवेपोरेटर से आ रही है, सेकेंडरी पंप से निकल के आती हैं और डायरेक्ट पहुंचती है हमारे एचयूस में।
एयर हैंडलिंग यूनिट। एयर हैंडलिंग यूनिट क्या होता है आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं दोबारा तो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा, जाके जरूर देखिएगा। तो नीचे की तरफ से जो लाइन आ रही है वो डायरेक्टली एचूस में जाती है। एचू के अंदर दो तीन पार्ट मेन होते हैं, एक आपके फिल्टर जो आप सामने देख पा रहे हैं, फिल्टर के बाद आपका लगी रहती है कॉइल अंदर की तरफ जो आप अभी देख नहीं पा रहे हैं, और उसके बाद लगा रहता है ब्लोअर। ब्लोअर हवा को अंदर की तरफ सक करता है, एचू के अंदर की तरफ सक करता है, और वो जो कॉइल्स होती हैं उसके अंदर यही ठंडा पानी रन कर रहा होता है। तो जो हवा है इसी ठंडे पानी की ठंडक को एब्जॉर्ब करके रूम्स तक पहुंचाती है जहां पर हमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो सामने की तरफ ये फ़िल्टर देख पा रहे होंगे, फ़िल्टर क्या काम करते हैं, फ़िल्टर डस्ट पार्टिकल को रोकने का काम करते हैं। जब एचूस के अंदर हवा जाती है तो उसके साथ बहुत सारी धूल मिट्टी भी उड़ के जाती है, तो उस धूल मिट्टी को रोकने का काम करते हैं ये फ़िल्टर्स। तो ये आप सामने देख पा रहे हैं ये एयर हैंडलिंग यूनिट है। अगर एयर हैंडलिंग यूनिट को आप अच्छे से और जानना चाहते हैं तो वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। ऊपर की तरफ आप ये देख पा रहे हैं ये डक्ट है जिसके थ्रू रूम्स तक क्या एयर पहुंच पाती है, जो ठंडी हवा होती है वो उस रूम तक पहुंच पाती है जहां पर हमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए मैंने यहां पर आपको चिलर वाटर साइकिल भी समझा दी है, सेकेंडरी पंप, प्राइमरी पंप और चिलर पंप के बारे में भी बता दिया है। तो यहां पर चिलर पंप का पार्ट भी क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब जल्दी से ये सब कुछ जितना मैंने आपको बताया है, कंडेंसर पंप, चिलर पंप, इसको फिर से रिविज़न कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंडेंसर पंप की बात करें या कंडेंसर वाटर साइकिल की बात करें, तो कंडेंसर वाटर साइकिल में तीन पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आपका कूलिंग टावर है, आपका कंडेंसर पंप, दूसरा तीसरा आपका आता है कंडेंसर जो कि होता है सेलेन ट्यूब टाइप। तो जब कंडेंसर में पानी इंटर करता है कंडेंसर पंप के थ्रू, तो वो क्या होता है जाता है ट्यूब साइड में, कंडेंसर की ट्यूब साइड में पहुँचता है, और वापस निकलता है जब तो वो गर्म हो चुका होता है पानी। तो वो गर्म पानी जाता है डायरेक्ट हमारे कूलिंग टावर की तरफ। कूलिंग टावर में जब वो पानी गिरता है तो वो पानी हवा के कांटेक्ट में आने के बाद ठंडा होके वापस से आता है हमारे पंप में, कंडेंसर पंप में, फिर वापस जाता है वो कंडेंसर की तरफ। तो ये तीन पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कंडेंसर वाटर साइकिल में। दूसरा आता है चिलर वाटर साइकिल या सेकेंडरी पंप, प्राइमरी पंप, जो भी मैंने आपको बताया था। तो चिलर वाटर साइकिल में क्या होता है, इसमें भी एयर हैंडलिंग यूनिट, प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप अगर ज़रूरत है तो, नहीं तो आप चिलर पंप से भी समझ सकते हैं। प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप और दूसरा आपको मैंने बताया एयर हैंडलिंग यूनिट, और जो चौथा था आपका इवेपोरेटर, जिसे आप चिलर भी कह सकते हैं। तो इसमें भी जो इवेपोरेटर होता है वो सेलेन ट्यूब टाइप का होता है। तो जब प्राइमरी पंप से इवेपोरेटर में पानी जाता है तो वो क्या होता है गर्म होता है उस टाइम पे, और जब वो इंटर करता है तो वो रेफ्रिजरेंट के हीट को या ये कह लीजिए ठंडक को एब्जॉर्ब करता है, और जब वो वापस निकलता है तो वो पानी ठंडा हो चुका होता है। इवेपोरेटर से जब पानी बाहर निकलता है तो वो पानी ठंडा हो चुका होता है, फिर वो सेकेंडरी पंप के थ्रू जाता है हमारे एयर हैंडलिंग यूनिट से, और एयर हैंडलिंग यूनिट उस ठंडक को पहुँचाती है कूलिंग रिक्वायरमेंट रूम तक। तो एचू में जब वो कूलिंग एब्जॉर्ब हो जाती है तो पानी फिर से गर्म होकर वापस से पहुँचता है कहाँ, हमारे प्राइमरी पंप पे, और फिर वापस जाता है इवेपोरेटर में। तो ये चिलर वाटर साइकिल की सप्लाई रहती है, यह साइकिल रहती है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट थे जो कि इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से, जितना मुझसे हो सकता था मैंने आपको समझाया। और अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आते तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक बार नहीं उसको दो बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कभी कभी कोई पार्ट मिस हो जाता है, तो आप अगर दोबारा देखेंगे तो आपका वो पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं इसी तरीके की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।